नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों मैं श्रुति और आपके लिए लाई हूँ बागी 4 की कहानी। दोस्तों बागी की सीरीज में भी सिया यानी श्रद्धा कपूर तड़का लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखिए ना, वो स्विट्जरलैंड में तो रह रही हैं पर अपने पापा राणा यानी मुकेश ऋषि के लाख कहने पर जन्मदिन मनाने के लिए इंडिया नहीं गई, क्योंकि स्विट्जरलैंड में वो बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी के साथ तो रह ही रही थी, ऊपर से इंडिया जाकर उसे और भी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ रहना पड़ेगा जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर ये सब कितनी देर तक चलेगा, कभी तो घर जाना पड़ेगा ना, और इसीलिए सिया राणा को बिना बताए इंडिया जाने का फैसला करती है। दोस्तों आपको बता दें कि राणा कंपनी में कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में बिजी होता है, तभी वहां पर दरवाजा खोलकर आती है सिया। क्लाइंट्स के सामने हड़बड़ाते हुए आना और मीटिंग को डिस्टर्ब करना राणा को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो नजरों से ही सिया को बाहर जाने को कहता है। सिया बाहर जाती है, बाहर बैठे हुए ऑफिस को अच्छे से देखती है। वहाँ के एम्प्लॉयज को देखकर यही सोचती है, ये लोग इतनी देर तक काम कैसे कर सकते हैं, क्या इन्हें ऑफिस किसी कैद की तरह नहीं लगता। दरअसल वो पहली बार ऑफिस आई थी ना, इसीलिए उसके लिए ये सब कुछ बहुत नया था। खैर, राणा सिया से मिलता है और बहुत ज्यादा खुश होता है, और उसी दिन वो सिया की आने की खुशी में और उसका जन्मदिन जो वो नहीं मना पाया था उसकी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखता है। दोस्तों आपको बता दें कि रात को फार्म हाउस पर एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है, सब लोग वहां मौजूद होते हैं, राणा के क्लाइंट्स आते हैं और इसी बीच अपनी माँ को याद करने वाली सिया एक शख्स से टकराती है, जिसके बाद वो इरिटेट तो होती है पर तभी वो उस परफ्यूम की खुशबू को पहचानती है, क्योंकि जब रॉनी यानी टाइगर श्रॉफ उससे टकराया था तब भी उसे ऐसी ही खुशबू आई थी। इसका मतलब रॉनी यहीं कहीं था। वो बहुत ढूंढती है पर उसे वहां वो नजर नहीं आता। अब बदला लेने के लिए ही सही, पर रॉनी को सिया के सामने तो आना चाहिए ना, तभी तो चॉकलेट बॉक्स का बदला पूरा होगा। फिर पार्टी के बीच में ही केक कटिंग के बाद राणा एक अनाउंसमेंट करता है। सब लोग गौर से सुनिए, ये मेरी प्रिंसेस है सिया और अब से यही सारा कारोबार संभालेगी, मतलब अपने पापा का हाथ बटाएगी और कंपनी को अलग मुकाम पर पहुंचाएगी। ये सुनते ही बिना सोचे समझे सिया कहती है, नहीं 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, पापा बहुत खुश हैं ये सब कह रहे हैं पर मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है, मैं इतना बड़ा कारोबार कैसे संभाल सकती हूँ। नहीं पापा, ये बिजनेस आप ही को मुबारक हो। सिया के ऐसे कहने पर राणा एम्बेरस होता है और किसी तरह सिचुएशन को हैंडल करता है। फिर अगले दिन राणा और सिया ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में कुछ इंटरव्यूज रखे होते हैं। राणा सिया से कहता है कि सिया देखो, तुम पढ़ी लिखी हो तो इस इंटरव्यूज में तुम भी कुछ अपना मशवरा दे सकती हो, तुम यहाँ पर आने वाले हर एक शख्स को ऑब्जर्व करो, पर सिया को इसमें कहीं कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो सिर्फ बैठी रहती है। फिर आता है एक शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे देखकर लड़कियां दीवानी जरूर हो सकती हैं, जिसका नाम था शांतनु रॉय यानी ताहिर राजभसी। शांतनु का इंटरव्यू लिया जाता है और उसे सेलेक्ट भी किया जाता है। वैसे उसे कंपनी की काफी जानकारी होती है जो उसे शायद ही कोई बता पाए। दोस्तों आपको बता दें कि शांतनु सिया से हैंडशेक करता है, स्माइल देता है और सिया भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। शांतनु के चले जाने के बाद सिया राणा से कहती है, काफी रिस्पेक्ट करता है आपकी, अगर मैं काम ना करूं तो आप इसे ही अपना कारोबार के लिए चुन लीजिएगा, और वो चली जाती है। पर उसके बाद राणा खुद से ही कहता है, मेरा इरादा तो वही है बेटा, तुम नहीं समझोगे। तो क्या सिया का ये फैसला उसे ही पड़ेगा भारी, क्या शांतनु कहानी में अलग मोड़ लाएगा, जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।